एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हाय, आई एम प्रीति, सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। सो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कैसे होते हैं। एंड मैं बीएमएस में हूँ तो यस, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज का टूर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। एंड आई एम श्योर, मतलब बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि हम जब एस्पिरेंट्स होते हैं, स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम कौन से कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, उसका कैंपस कैसा होगा। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। एंड हाँ, मेरे जितने भी लोग वीडियोज़ देखते हैं वो मोस्ट ऑफ द नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड उसके पास जो बेल आइकॉन, मतलब घंटी है, वो भी दबा दो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा एंड कोई भी न्यू वीडियो आप मिस नहीं करोगे। उसके साथ साथ गाइस, प्लीज लाइक करो मेरे वीडियो को एंड कमेंट्स में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, सो लेट्स गो। ओके, सो अभी 10 बजे एंड ये है पोवई नाका प्लेस इन सातारा सिटी। दिस इज द कोर प्लेस ऑफ सातारा सिटी। एंड येस, वहाँ पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू दिख रहा होगा। आज मेरे पापा मुझे छोड़ने आ रहे कॉलेज। आई एम सो एक्साइटेड गाइस, कितने दिनों के बाद मैं कॉलेज जा रही हूँ। लेट्स गो। ओके, सो ये है 7-स्टार सिनेमा एंड उसके राइट साइड पे ही सतारा का टेस्ट स्टैंड है। मैंने सोचा मैं जाते वक्त आपको सतारा का ब्यूटीफुल नेचर व्यू दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, आई एम इन लव विद दिस नेचर गाइस। आपको सामने फॉग दिख ही रहा होगा। सो ये है अजिंक्य तारा फोर्ट जो आपको दिख रहा है एंड वहाँ पे घुसने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्टे भी किया था। सो यस, राइट फॉर अस एंड वी आर ऑन द वे टू आवर कॉलेज। और सामने जो आपको दिख रहा है वो पहाड़, वहाँ से कास पठार को रोड जाता है, कास पठार वैली ऑफ फ्लावर्स। और ये हमारा आ गया कॉलेज। ये है एंट्री गेट। ओके, सो अभी हमारी हो गई है कॉलेज में एंट्री। अभी मैं आपको दिखाती हूँ धीरे धीरे मेरा पूरा कॉलेज। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स है, वहाँ पे पार्किंग एरिया है एंड वहाँ पे बोर्ड है हमारे कॉलेज के नेम का। सामने थोड़ी स्पेस है एंड ये है हमारी मेन बिल्डिंग। यहाँ से हम है यहाँ पे, मतलब यहाँ से हम मेन एंट्री करते हैं कॉलेज में। ओके, एंड एंट्री करते ही राइट साइड पे है ऑफिस, मतलब कार्यालय जिसको हम कहते हैं। सो यस, हियर इट इज। एंड यहाँ पे है नोटिस बोर्ड्स, धन्वंतरी की मूर्ति, ये हमारी प्रिंसिपल सर की कैबिन, ट्रॉफीज है वहाँ पे। एंड अभी आने वाली है मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी एटलीस्ट इन द कॉलेज। वहाँ पे मेरा बोर्ड लगाया है फ्लैग, मेरे नाम का और मेरे पिक का, क्योंकि मैंने हमारे एमएचएस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में। मैं कबड्डी टीम में थी। सो यस, एंड ये है ग्राउंड, वो जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो अभी हम जाते हैं क्लासरूम्स की तरफ। सामने जो आप देख रहे हैं वो है पार्किंग एरिया, स्टूडेंट्स हैं, ये है फाइनल ईयर का क्लासरूम। फिलहाल तो क्लासरूम्स बंद है। सामने आएगा थर्ड ईयर का क्लासरूम। ओह माय गॉड, अंदर सीनियर्स पढ़ रहे हैं। ओके, सो एंड राइट साइड पे है डिपार्टमेंट ऑफ अगर तंत्र एंड लेफ्ट साइड पे है गार्डन, मेडिसिनल प्लांट्स का गार्डन। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे जाके। एंड ये गर्ल्स वॉशरूम। अभी जाते हैं लाइब्रेरी में, देखते हैं अंदर कौन है क्या। थैंकफुली कोई नहीं है वरना उनको डिस्टर्ब हो जाता। तो यस, ये है हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक संहिताएँ वगैरह। तो अभी हम स्टेज से ऊपर जाते हैं, ऊपर में आपको एनाटॉमी लैब फर्स्ट ईयर के क्लासरूम दिखाऊंगी। ये आई हमारी सेकंड ईयर की क्लासरूम, वो है एनाटॉमी के चोरी सर का केबिन। ये हमारी क्लासरूम, आई होप आपको दिख रही हो। तो नाउ वी ओके, सो यहाँ से हम ऊपर आए थे एंड अभी मैं आपको एनाटॉमी लैब में लेके चलती हूँ। यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगवाए हैं, एनएसएस का कैंप वगैरह होता है तो उसके एंड ट्रिप्स वगैरह जाते हैं कॉलेज के, वो भी
बॉयज़ वॉशरूम, यहाँ से ऊपर टेरेस भी है एंड क्लासरूम्स भी है अभी नए नए. यस नाउ वी आर हेडिंग टू एनाटॉमी लैब एंड हियर वी गो. ओके सो यहाँ पे हमारे बहुत सारे लेक्चर्स एंड डिसेक्शन भी होता है. सो दिस इज ह्यूमन स्केलेटल द लव ऑफ मेनी मेडिकल स्टूडेंट्स. ओके एंड यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन्स है. वहाँ पे आपको छोटू सा बेबी भी दिख रहा होगा. हार्ट, मेसेंट्री, इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी, मतलब बहुत कुछ जो भी हम ह्यूमन बॉडी में होता है वो सब कुछ. सो दैट प्रैक्टिकल नॉलेज जब हम लेते हैं तो इट बिकम्स ईजी ना टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर एज वेल. सो उसके लिए एंड यहाँ पे नीचे रखा है स्प्लीन, हार्ट, वो है लंग्स. इन दिस वे ऑल दिस स्पेसिमेंट्स आर केप्ट. सो ये है मॉडल ऑफ सुश्रुतोक्त मृत संशोधन. बिकॉज BMS के स्टूडेंट्स हैं तो यस. एंड यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए हैं. रिब्स है ऊपर, देन रिब केज मतलब, एंड देन ब्रेन, किडनी, लिवर, बोन्स है, जॉइंट्स है. एंड यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं हमारे. सो यस ह्यूमन कैडावर. वहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, इन टेबल्स पे हम डिसेक्शन करते हैं ह्यूमन कैडावर का. एंड आगे जो आप देख रहे हो डिसेक्शन के बाद जो ऑर्गन्स हम निकालते हैं वो उसमें रखते हैं. तो यस हमारी एनाटॉमी लैब देख के हो गई है. नाउ मैं आपको दिखाती हूँ हमारा फर्स्ट ईयर का क्लासरूम. ओह माय गॉड, लॉट्स ऑफ मेमोरी, इमोशंस, मोमेंट्स वी शेयर टुगेदर. ओके सो ये है ऊपर से ऐसा नज़ारा दिखता है पार्किंग एरिया. एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ रोग निदान का डिपार्टमेंट. रोग निदान सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, बट जब भी हमारी यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल्स ओरल्स होते हैं तब भी हमें खोलते हैं. एंड प्रैक्टिकल्स को तो हम हॉस्पिटल में ही जाते हैं रोग निदान के. वहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट है, यहाँ से हम ऊपर भी आ सकते हैं. ये भी नोटिस बोर्ड्स ही है. एंड अभी एग्ज़ाम्स हुए थे तो वो बेंचेस रखे हैं वहाँ पे. सो ये है द्रव्यगुणा का डिपार्टमेंट. द्रव्यगुण भी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है. इसमें बहुत सारे द्रव्य रखे हुए हैं, बहुत सारे चार्ट्स है सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि जटा मानसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे द्रव्य है एंड जो भी पढ़ने को लगता है सामान. तो ये है संस्कृत का एंड संहिता का डिपार्टमेंट. संहिता मतलब चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता होती है उसका डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट ऑफ संहिता सिद्धांत. यहाँ पे संस्कृत के टीचर्स भी बैठते हैं एंड संहिता के भी. तो ये क्यूट सा छोटे सा डिपार्टमेंट. एंड अभी चलते बाहर. यहाँ से ऊपर टेरेस भी है एंड न्यू क्लासरूम भी है, बट वो बंद है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती आज, सॉरी. अभी हम नीचे चलते हैं. ओके सो अभी मैं आपको मेडिसिनल प्लांट्स का गार्डन दिखाती हूँ. वहाँ पे है गेट एंट्री, ये है पार्किंग एरिया. इस शेड के नीचे मोस्टली टीचर्स पार्क करते हैं उनके बाइक्स. एंड ये मेन बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई, यहाँ से हम आए हैं. सो यस लेट्स गो. मैं अभी आपको दिखाती हूँ गार्डन. वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं. तो ये है मेडिसिनल प्लांट्स. क्योंकि द्रव्यगुण जैसे मैंने बताया सेकेंड ईयर को सब्जेक्ट है, तो उसमें मेडिसिनल प्लांट्स का स्टडी है हमें. तो हर एक प्लांट का नाम लिखा है एंड उसका बोटैनिकल नेम भी लिखा है उस पर. और जब हमें आइडेंटिफाई करने भी आना चाहिए ना कि वो प्लांट है, तभी हमें मतलब हम यूज़ कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस में. तो यस उसके लिए यहाँ पे गार्डन क्या है, दो ये बहुत कम प्लांट्स है, बट यस. और आगे जो आपको वॉल दिख रही है वो है एंड पॉइंट, बैक साइड ऑफ कॉलेज.
गाइज आई नो आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब लग्जरियस नहीं दिख रहा होगा कॉलेज, ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा लग्जरियस होते हैं, बट येस दिस इज़ द फर्स्ट BMS कॉलेज इन महाराष्ट्र एंड तो इसके लिए इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत पुराना है एंड येस गवर्नमेंट कॉलेजेस तो ऐसे ही होते हैं। बट येस लग्जरियस हो या नहीं आखिर में गवर्नमेंट कॉलेज ही होता है, सो द डिग्री वी गेट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज इज अ ब्रांड राइट। ओके सो अभी मैं आपको ग्राउंड एंड जो न्यू बिल्डिंग है कॉलेज की वो दिखाती हूँ। सो ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के वगैरह प्रोग्राम्स होते हैं। ये दूसरी बिल्डिंग है कॉलेज की एंड यहाँ पे खाली जगह मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ से मैं आई हूँ अभी। सो अभी बारिश है एंड लॉकडाउन है तो स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे ग्रास बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है और ये पूरी खाली जगह है। वहाँ पे जो आप दिख रहे हो वहाँ तक है बॉर्डर कॉलेज, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है ऐसे, वहाँ पे हम करते हैं फ्लैग होस्टिंग। ये मेन बिल्डिंग है कॉलेज की। ओके सो अभी हम इस न्यू बिल्डिंग पे जाते हैं, ये है डिपार्टमेंट ऑफ काइट चिकित्सा, लेट्स गो। वहाँ पे जो आप देख रहे हो वो है डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, सो लेट्स गो देयर। ओके एंड आयुर्वेदा कॉलेज है सो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, जैसे कि प्लांट्स सॉरी हरी तकी। ये है फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट और अभी ये बंद है सो अंदर का मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट उसमें भी बस बेंचेस हैं एंड जो सामान लगता है प्रैक्टिकल्स के लिए वो है। यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ स्वस्थ वृत्ता, यहाँ से ऊपर टेरेस। ये है शालाक्य तंत्र का डिपार्टमेंट जो आई डोंट नो कब खुलता है। ये है स्वस्थ वृत्त विभाग जहाँ पे मोस्टली हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स यूनिवर्सिटी के होते हैं। ये भी अभी खुला नहीं है, लेट्स सी अंदर क्या है, आई होप आपको दिख रहे हो। वहाँ पे है रस्त का डिपार्टमेंट जहाँ पे आज हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है। ये ऐसी स्पेस है जैसे बस, ये एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा ग्रास है नहीं तो ये बहुत प्रीटी लगता है, यहाँ पे हम बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं। ये है स्वस्थ वृत्त का डिपार्टमेंट, डोंट रैग। यहाँ से ऊपर भी टेरेस एंड ये है डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, मैं आपको टेरेस के ऊपर जाकर दिखाती हूँ। ओ गॉड बारिश हो गई। सी द व्यू, सतारा का नेचर वैसे बहुत ज्यादा प्रीटी है। यहाँ से हम आए हैं, ये है हमारी मेन बिल्डिंग। Let me show you some nature view. Beautiful nature view. ये हमारी कॉलेज की बैक साइड है। और वहाँ से हम आए थे ऊपर टेरेस पर, सो यस एंड ये जो मैंने पीछे और एक दिखाया था ना आपको वो है एंट्री फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, सो यस।
ऐसे है ये टेरेस का व्यू। यहाँ पे है फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट।